हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉब जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल गॉब जॉब टाइमलाइन पे। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस रिक्रूटमेंट 2019 में यहाँ पे बहुत ही बम्पर वैकेंसी आया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे केवल ही केवल अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम फी नहीं लगेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम फी नहीं है दोस्तों, और आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से लेकर 43 साल रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में, इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है, आप कब से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, लास्ट डेट कब है, इसके लिए आपका सैलरी कितना होगा, सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो की एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगा है, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उन ऑनलाइन नोटिफिकेशन को आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आया है, इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप दोस्तों 15/6/2019 यानी कि आज से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों, लास्ट डेट इसका 30/6/2019 रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट आया है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों पोस्ट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे UDA काम अकाउंटेंट, जहाँ पे दोस्तों टोटल पोस्ट आपका 200 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, उसके साथ साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन 6 मंथ एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सैलरी हो जाएगा, सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ आपका यहाँ पे सैलरी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर 2 पोस्ट की, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जहाँ पे टोटल 200 वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, प्रेफरेबल डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर फ्रॉम ITI पॉलिटेक्निक एनी गॉब रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने किए हैं तो आप इसके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन हिसाब से आपको माना जाएगा और आपको अब यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका सैलरी हो जाएगा 35,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पे सैलरी मिल जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोअर डिवीजन असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल 200 वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मांगा है, उसके साथ साथ मास्टर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ दोस्तों आपको कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 30,000 रुपये प्रति माह आपको मिल जाएगा लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट आपका बेंच असिस्टेंट के लिए जारी किया गया है, जिसमें टोटल 200 पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये दोस्तों आपको कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होना मैंडेटरी है। यहाँ पर भी दोस्तों सैलरी आपका 30,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिस्ट के लिए आया है, टाइपिस्ट में टोटल 200 वैकेंसी है, जहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटर, जी हाँ दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेशन में आपका प्रोफिशिएंसी होना यहाँ पे भी मैंडेटरी है। यहाँ पे दोस्तों आपका सैलरी मिल जाएगा 30,000 रुपये प्रति माह। उसके बाद जो 6 नंबर पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जहाँ पे 400 वैकेंसी जारी किया है दोस्तों, यहाँ पे HSSLC यानी कि 12 पास होना चाहिए, उसके साथ साथ मास्टर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपका सैलरी हो जाएगा 10,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद अगर बात करें 7 नंबर पोस्ट, तो यहाँ पे दोस्तों कॉपीस्ट के लिए 200 वैकेंसी है, जहाँ पे HSSLC यानी कि 12 पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम अमंग कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन OMR, यहाँ पे 9,000 रुपये प्रति माह आपका सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद 8 नंबर जो वैकेंसी आया है ऑफिस PN, जहाँ पे टोटल 200 वैकेंसी है, यहाँ पे क्लास 8 पास अगर आप तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे केवल ही केवल फिजिकल टेस्ट होगा, उसके साथ साथ दोस्तों 9,000 आपका सैलरी मिल जाएगा। अगर उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे चौकीदार है, जिसमें आपका टोटल 200 वैकेंसी है, यहाँ पे केवल ही केवल 8 पास मांगा है, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा और आपका सीधा सिलेक्शन होगा। यहाँ पे भी आपका सैलरी 9,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव पास HSLC और मैट्रिकुलेशन एंड अबव शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस PN एंड चौकीदार। जी दोस्तों, अगर आपने 10th पास हो या तो फिर 12th पास हो या तो फिर हायर एजुकेशन किए हो तो आप ऑफिस PN और चौकीदार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो कैंडिडेट यहाँ पे केवल ही केवल
क्लास 8 पास है उन कैंडिडेट ने आपका ऑफिस पियन और चौकीदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हो सभी जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद हम अगर बात करें कैटेगरी वाइज एज की, तो जनरल के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 38 साल रखा गया है। ओबीसी के लिए 18 साल, 41 साल मैक्सिमम रखा गया है, और एससी एसटी के लिए 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 43 साल यहाँ पे रखा गया है आपका एज लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आ रहे हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है सब प्रोसीड्यूर, आप देख सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे सेंट्रल हेल्पलाइन दी गई है, आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका जो केबी का यहाँ पे साइज का कितना हो देना पड़ेगा वो यहाँ पे बता दिया गया है, आप देख सकते हैं आपका फोटो का साइज होना चाहिए 450 KB, और यहाँ पे साइज भी दी गई है 320 × 220। उसके बाद अगर सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर आपका 100 KB बताया गया है, और यहाँ पे सिग्नेचर की जो हाइट है दोस्तों रेजोल्यूशन पिक्चर का वो 400 × 150 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट्स की, दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा एडमिट कार्ड ऑफ HSL यानी कि 10th का डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ, या तो फिर अगर आप मैंने ऑफिस पियन और चौकीदार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ हिसाब के लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका मार्कशीट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट कॉन्सर्न, और यहाँ पे जो कुछ भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है गया है, डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है आपका UDA कम असिस्टेंट के लिए, कम अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग फॉर ए मिनिमम ऑफ 6 मंथ फॉर द पोस्ट ऑफ UDA कम अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर फ्रॉम ITI पॉलिटेक्निक अदर रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जी हाँ दोस्तों स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम डिप्लोमा और या तो फिर स्टेनोग्राफर फ्रॉम ITI इन पॉलिटेक्निक फ्रॉम अदर रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ कंसर्न, जिन सभी पोस्ट के आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है उसके लिए आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो फिर आपका कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसके सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की, दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर अगर हम बात करें UDA कम अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिविजन असिस्टेंट, बेंच असिस्टेंट, टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड कॉपीस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चलिए मैं आपको नीचे पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो तो कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स दिया गया है, स्पेलिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर 20 मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट ऑफ कंप्यूटर 20 मार्क्स और ऑनलाइन MCQ टेस्ट 10 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स आपका ड्यूरेशन दिया गया है 10 मिनट यानी कि 30 मिनट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लियरली अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे एग्जाम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लोअर डिवीजन असिस्टेंट, बेंच असिस्टेंट, टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कॉपीस्ट के लिए टोटल पहले रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ऑफिस पियन और चौकीदार की, तो यहाँ पे फिजिकल एंड फिटनेस टेस्ट होगा यहाँ पे 20 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स का, यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट और आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आया है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि द सिलेक्टेड पर्सन विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग दैट ही सी विल नॉट क्लेम फॉर परमानेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जॉइनिंग, जैसे दोस्तों यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जॉइनिंग आप परमानेंट एंगेजमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का दिया गया है, इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया हूँ, सभी सब कुछ जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।